माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको क्लास टेंथ साइंस का जो प्रश्न बैंक है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, और ये कक्षा दसवीं के सभी स्टूडेंटों के लिए है 2021-2022 का। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें किस प्रकार से आपको प्रश्न बैंक दिया गया है, और ये प्रश्न बैंक जो बनाया गया है इसमें उस पाठ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं उनकी पूरी जानकारी है, साथ में ब्लूप्रिंट, जिस प्रकार से इसमें ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है, फिर इसके साथ इसमें जो पाठ हटाए गए हैं उसकी भी डिटेल है, और उसके बाद हर चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके चैप्टर्स हैं, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से बनते हैं उनकी पूरी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो इन क्वेश्चंस का आप निश्चित रूप से अभ्यास करें, और कम से कम इन क्वेश्चनों को अगर आप ठीक से बना लेते हैं, इनकी तैयारी कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में पास हो जाएंगे और अधिक अच्छे अंक ला पाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस पार्ट से जैसा इसमें लिखा हुआ गया है कि ब्लूप्रिंट से इसमें 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 6 अंक में कौन जितने अंक, एक अंक का जो एक वस्तुनिष्ठ है, 2 अंक के प्रश्न हैं, 3 अंक का प्रश्न है, तो सभी का यहाँ डिटेल दिया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा, तो उसमें आपको दिए गए हैं तो आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसकी भी जो है डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो कम से कम इन क्वेश्चनों का तो आप निश्चित रूप से तैयारी करें, और उसके बाद अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस जो हैं इस पार्ट से जो भी बनते हैं उनकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरे जो क्वेश्चंस बनते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में इनकी तैयारी करें। और उसके बाद लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी जो होता है वो 2 नंबर में आएंगे, और लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 3 नंबर में आएंगे, तो इसमें जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करें, और उसके बाद इसका आंसर लिखकर बिल्कुल तैयार करें। फिर आते हैं लेसन सेकंड में, चैप्टर सेकंड, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस पार्ट से भी जो क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे उसके अनुसार से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसमें इतने सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं सभी को आप तैयार करें, तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके मेन एग्ज़ाम में आएंगे, और आपको एक वाक्य में उत्तर देने के लिए जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें और तैयार करें, तो इस तरह से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। सही जोड़ी बनाइए उसके भी जो क्वेश्चन हैं वहाँ दिए गए हैं, तो और उसके बाद इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आएंगे उनके लिए जो है 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनके जो हैं यहाँ पर क्वेश्चन की डिटेल दी गई है। इन क्वेश्चनों को आप निश्चित रूप से तैयार करेंगे तो आप बेहतर जो है अंक ला पाएंगे। फिर है चैप्टर थर्ड, धातु एवं अधातुएं, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें भी उसी तरह से पूरे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद वन वर्ड आंसर के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम, जोड़ी मिलाइए के हैं, अति लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इसमें देखिए 10 हैं, और उसके बाद लेसन 4 में आ जाते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले में। तो इसमें भी जैसा कहा गया था कि इस पार्ट से कोई भी वस्तुनिष्ठ नहीं आएगा, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएगा, और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4 अंक से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चंस आएंगे जो भी बनते हैं इसमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो इसमें से आपका बन ही जाएगा, और भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो कम से कम इतने क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन बैंक में दिए हैं अगर आप उसी तरह से तैयार कर लेते हैं
तो पास होने के साथ साथ आप निश्चित रूप से अच्छे अंक जो है हासिल कर सकते हैं। तो कम से कम इतना तो आप पढ़ना शुरू कर दें। अध्याय जो 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें भी उसी तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड आंसर है, लघु उत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जैव प्रक्रम जो है 6 चैप्टर है, और लाइफ प्रोसेसेस ये पार्ट है। उसमें भी इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, और उसके बाद वन वर्ड आंसर के, और लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उसके अनुसार से देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको जो है 8 दिए गए हैं। तो कभी कभी ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं उसमें दो दो नंबर के भी जो है क्वेश्चन इस तरह से दिए जा सकते हैं, आ और बा करके, ठीक है, तो उनका भी आप ध्यान रखें। लेसन 7 में भी इसी तरह से जो है 3 अंक का केवल वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, तो सिर्फ वस्तुनिष्ठ ही इसमें से तैयार आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ इसमें दिए गए हैं। और जीव जनन कैसे करते हैं 8th चैप्टर है, इसमें भी जो है अंक निर्धारित किए गए हैं, उसके अनुसार से क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और वन वर्ड का आंसर है, लघु उत्तरी प्रश्न है। तो इस प्रकार से जो है इसमें देख लीजिएगा, जो भी चित्र आता है वो आपके जो है अति लघु उत्तरी में रहेगा, जिसमें सिर्फ चित्र बनाना होगा। मानव के मादा जनन अंग का चित्र बनाइए, पुष्प के अणु दैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके अनुसार से जो है ये जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक तक का जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं और उसके अनुसार से तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 9 में अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है उससे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उस चैप्टर से भी इसमें है। तो देख सकते हैं जो जो क्वेश्चंस हैं, सभी में मल्टीपल चॉइस है, किसी पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बाकी तो उसके अकॉर्डिंग से दिए गए हैं। 10 में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, इसमें भी जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मल्टीपल चॉइस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, वन वर्ड आंसर है, अति लघु उत्तरी है और दीर्घ उत्तरी है, मानव रेत्र और रंग बिरंगा संसार, इस पार्ट से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसको नोट करके, आप जैसे मैंने बताया डाउनलोड करके, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। तो अब आप इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर, और उसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी है, तो आप सर्च करके वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन 16 चैप्टर में भी जितने प्रकार के 1 अंक का जो वस्तुनिष्ठ आएगा तो सिर्फ इसमें वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है, और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो उस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें वो आपको आंसर भी मिले हुए हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस के, तो उनको यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।